हेलो दोस्तों, ठंड एक ऐसा शब्द है जो अंटार्कटिका सुनते ही आपके दिमाग में आ सकता है, और आप गलत नहीं है क्योंकि आखिरकार यह पृथ्वी पर सबसे ठंडी जगह है। यह पूरी दुनिया में एक ही जगह है जहां 6 महीने रात और 6 महीने का दिन होता है। यह जगह पेंगुइन, सील, हिमखंड और बर्फ की भूमि है। वास्तव में अंटार्कटिका में दुनिया की 90% से अधिक बर्फ जमा है। आज हम आपको इस एपिसोड में अंटार्कटिका से जुड़े कुछ रोचक और आश्चर्यजनक रहस्यों बताएंगे जो शायद आपको पता नहीं। नंबर 1, अंटार्कटिका जगह कभी विकसित मानव सभ्यता थी। यह सवाल चौंकाने वाला है, लेकिन यह बताया जाता है कि हजारों साल पहले अंटार्कटिका में मानव सभ्यता थी। अंटार्कटिका की मानव सभ्यता बस एक दिन के भीतर ही ध्वस्त होकर समाप्त हो गई थी, और वह जगह समुद्र में बदल गई और एक स्थान पर बर्फ जमकर द्वीप बन गया था। नंबर 2, अंटार्कटिका एकमात्र महाद्वीप है जिसका कोई स्थायी निवासी या नागरिक नहीं है। वहां रहने वाले लोग वैज्ञानिकों की तरह अनुसंधान उद्देश्यों के लिए लगभग 3 से 6 महीने तक ही रहते हैं। नंबर 3, अंटार्कटिका में रहने वाले अधिकांश लोग ईसाई हैं, जो महाद्वीप की आबादी का 70% से अधिक है। उसके बाद नास्तिकों और उन लोगों का एक संयोजन है जिन्होंने अपने धर्म का खुलासा नहीं करने का फैसला किया। नंबर 4, अंटार्कटिका का एक हिस्सा ऐसा है जो खून के झरने जैसा दिखता है। इसे ब्लड फॉल्स कहा जाता है, और इसके लिए टेलर ग्लेशियर की फंसी हुई खारे पानी की झील जिम्मेदार है। झील लोहे से समृद्ध है जो बाहर बहने पर लाल हो जाती है क्योंकि यह ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करती है। नंबर 5, अंटार्कटिका में 70 स्थायी अनुसंधान केंद्र है। सबसे बड़ा मैकमुडो स्टेशन है जिसमें हजारों निवासियों के रहने की क्षमता है। अमेरिका ने इसे दिसंबर 1955 में वैज्ञानिक अनुसंधान और अमेरिकी अंटार्कटिक कार्यक्रम के रसद केंद्र के लिए बनाया था। नंबर 6, अंटार्कटिक मछलियों में एंटी फ्रीजर प्रोटीन होते हैं जो उन्हें अंटार्कटिका के ठंडे पानी में जीवित रहने में मदद करते हैं। नंबर 7, ड्रेक पैसेज अंटार्कटिका में एक जलमार्ग है जो प्रशांत और अटलांटिक महासागरों को जोड़ता है। यह जलमार्ग अपने हिंसक तूफानों और तेज हवाओं के लिए जाना जाता है, जो कई नाविकों के जीवन का दावा करता है। नंबर 8, अंटार्कटिका 100 मिलियन से अधिक वर्षों तक बर्फ से ढका नहीं था। जीवाश्म विज्ञानियों ने महाद्वीप पर खोजे गए मेंढकों, पक्षियों और यहाँ तक कि डायनासोरों सहित जीवाश्मों की खोज की। नंबर 9, डेनमार्क स्थित एक ट्रैवल बुकिंग प्लेटफॉर्म के अनुसार अप्रैल से सितंबर का समय अंटार्कटिका की यात्रा के लिए सबसे खराब समय है, क्योंकि ठंडे तापमान और सूरज की रोशनी बहुत कम होती है। आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है कि अगर वीडियो अच्छे लग रहे तो नीचे सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। नंबर 10, अंटार्कटिका में पृथ्वी का 70% ताजा पानी बर्फ की चादर में जमा हुआ है, जो पिघलने या ढहने पर समुद्र के स्तर को बढ़ा सकता है। महाद्वीप की बर्फ की चादर पृथ्वी की 90% बर्फ के लिए भी जिम्मेदार है। नंबर 11, 2017 में हुए एक अध्ययन के अनुसार अंटार्कटिका में 138 ज्वालामुखी हैं। अधिकांश या तो सुप्त हैं या बर्फ की चादर में ढंके हुए हैं, लेकिन वर्तमान में 2 सक्रिय ज्वालामुखी हैं, माउंट एरेबस और डिसेप्शन आइलैंड। नंबर 12, अंटार्कटिक ध्रुवीय रेगिस्तान दुनिया में सबसे बड़ा है, और ये सहारा रेगिस्तान के आकार से दोगुना है। ध्रुवीय वातावरण को ध्रुवीय रेगिस्तान माना जाता है क्योंकि वहाँ शायद ही कभी बारिश होती है या बर्फ गिरती है। नंबर 13, अंटार्कटिका में 22 मार्च से 23 सितंबर तक सूर्योदय नहीं होता है, और यहाँ 24 सितंबर से 21 मार्च के बीच सूर्यास्त नहीं होता है। नंबर 14, खनिज भंडार सोना, चांदी, तांबा, कोयला, मैंगनीज, यूरेनियम, प्लेटिनम, क्रोमियम आदि यहाँ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन अभी तक व्यावसायिक रूप से इसका खनन नहीं किया गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्राकृतिक कठिनाइयों के अलावा इस महाद्वीप पर किसी देश का स्वामित्व नहीं है। नंबर 15, गिरिराज सिंह सिरोही 1960 में अंटार्कटिका जाने वाले पहले भारतीय डॉक्टर थे। उनके नाम पर यहाँ के एक स्थान का नाम सिरोही पॉइंट रखा गया है। यहाँ कई देशों के अनुसंधान केंद्र स्थित है। नंबर 16, आपको शायद यकीन न हो, लेकिन अंटार्कटिका में एकमात्र एटीएम भी है जिसे वेल्स फार्गो बैंक द्वारा संचालित किया जाता है। नंबर 17, यदि आप अंटार्कटिका में काम करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले अपने दांत और अपेंडिक्स को निकालना होगा, भले ही वे पूरी तरह से स्वस्थ हों। नंबर 18,
21 जुलाई 1983 में अंटार्कटिका के वोस्टोक स्टेशन पर अभी तक का धरती का सबसे कम तापमान -128 डिग्री फारेनहाइट रिकॉर्ड किया गया था। नंबर 19। विशेषज्ञों का मानना है कि अंटार्कटिका के नीचे नदियों और झीलों का एक नेटवर्क है। अंटार्कटिका में बर्फीली सतह के नीचे एक भूमिगत नदी में पारिस्थितिकी तंत्र छिपा हुआ है जिसे पहले कभी नहीं देखा गया था। नंबर 20। 19 सितंबर 2022 को एलोन मस्क ने घोषणा की कि उनके उपग्रह इंटरनेट प्रदाता स्टारलिंक को अंटार्कटिका सहित सभी महाद्वीपों पर एक्सेस किया जा सकता है। आशा है कि आपको यह जानकारी पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।